वेलकम टू रेक्स इंस्टीट्यूट भोपाल। इस वीडियो में बेसिकली बोर्नियो का एक और फीचर है जो मुझे आपको बताना है, वो थर्मिस्टर। तो थर्मिस्टर के बारे में आज समझने जा रहे हैं बोर्नियो में, और ये क्या करता है, किस लिए यूज़ है। बोर्नियो में एक चीज़ थोड़ी सी गड़बड़ हुई है कि कोई भी चीज़ ओपन करने पर थोड़ा सा क्या ले रहा है, ज़्यादा टाइम ले रहा है। जैसे मैं यहाँ पर ओपन करता हूँ, देखिए इसको क्लिक करते हैं और इसको ओपन करते हैं, देखिए अपडेटिंग फाइल्स। तो इसमें ये थोड़ा से जब से अपडेट हुआ है तब से टाइम लेना इसने क्या कर दिया, सारे ब्रांड्स को लोड करता है, इस तरह से सारी चीज़ें इसमें डिले हो रहा है। अगर आपके पास नेट की स्पीड अच्छी नहीं है, पीसी अच्छा नहीं है, तो समझ लीजिए कि हालत ख़राब होने वाली है। तो ये इस तरह से एक बहुत बड़ी इसमें समस्या है, लेकिन ये उम्मीद करता हूँ कि वक्त रहते या इसी दौरान ये इसको ठीक करेंगे, क्योंकि थोड़ा सा टाइम ज़्यादा ले रहा है। अब ये देखिए यहाँ पर ये खुला, हमें जो फीचर देखना, देखिए फिर वापस मोबाइल में जाता हूँ मैं, ये मैंने क्लिक किया और यहाँ पर देखिए मोबाइल में जो फीचर आया है इसमें बेसिकली ये होता है थर्मिस्टर का। थर्मिस्टर बेसिकली किस लिए यूज़ होता है मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले तो आप थर्मिस्टर पे जाएंगे, कैसे जाना है आपको, आपने यहाँ से मोबाइल को लेना है, ये यहाँ से आपने मोबाइल फ़ोन को लिया है। मैं मोबाइल फ़ोन लेने के बाद यहाँ से मोबाइल फ़ोन सॉल्यूशन पे जाना है, फिर हार्डवेयर सॉल्यूशन बताऊँगा, बिट मैप बताऊँगा, डायोड में बता चुका हूँ, थर्मिस्टर यहाँ पर बताने जा रहा हूँ। तो थर्मिस्टर वो फीचर है जो हम यहाँ पर देखेंगे किस लिए यूज़ होता है। तो मैं इसको यहाँ पर प्लस को क्लिक कर रहा हूँ, तो यहाँ पर फ़ोन के सारे ऑप्शंस खुल रहे हैं, और यहाँ पर मैं जैसे आसूस है, जियोनी है, हुआई है, इनफिनिक्स है, लेनोवा है, एलजी है, मोटोरोला है, और ये बहुत सारे यहाँ पर ब्रांड्स हैं। तो हम यहाँ पर कोई भी एक ले लेते हैं, जैसे आसूस को ले रहा हूँ, आसूस में फिर ये मैंने इसको लिया, M.1 PDF है और M.2 PDF है, देखिए खुलता है यहाँ पर। तो थर्मिस्टर का रोल क्या है वो मैं आपको क्लियर कराता हूँ। थर्मिस्टर क्या होता है, CPU को बताता है कि अगर कुछ हीट हो रहा है तो CPU डिस्प्ले पर शो करता है, टेम्परेचर को दिखाता है, टेम्परेचर हाई या लो हो रहा है, वो थर्मिस्टर के थ्रू क्या होता है, पूरी चीज़ें होती हैं। तो थर्मिस्टर कहाँ कहाँ पर लगा हुआ है वो आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। मैं इसको यहाँ पर देखिए यहाँ से इसको बड़ा कर रहा हूँ, तो यहाँ पर देखिए थर्मिस्टर कहाँ कहाँ दिखाएगा, अभी देखेंगे आप यहाँ पर थर्मिस्टर को, ये यहाँ पर देखिए ये थर्मिस्टर दिखा रहा है, देखिए यहाँ पर ये दिखा रहा है, दो थर्मिस्टर यहाँ पे दिखा रहा है। तो ये दो थर्मिस्टरों को TH-SDM630 थर्मिस्टर 100K का है, और TM-Bottom थर्मिस्टर यहाँ पर ये भी 100K का है। तो इन थर्मिस्टरों को आप हटा देंगे तो जो हीटिंग और इस तरह का जो डिस्प्ले में प्रॉब्लम जो शो हो रही है वो दिखाना क्या कर देगा, बंद कर देगा। तो ये नया फीचर है इसमें, जिसमें आपको थर्मिस्टर कहाँ कहाँ पे लगे वो क्या करता है, यहाँ पर ये इस तरह से दिखाता जाता है। तो इसको आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर आप इसको हटा सकते हो, तो प्रॉब्लम क्या हो जाएगी आपकी, सॉल्व हो जाएगी। तो ये बढ़िया फीचर है, और ये 100K का थर्मिस्टर देखिए यहाँ पर भी ये लगा हुआ है। तो इस तरह से आपको ये सारी चीज़ें यहाँ पर दिख जाती हैं कि कैसे आपको थर्मिस्टर को निकालना है। ऐसे और दूसरे थर्मिस्टर भी देखने हैं आपको तो जियोनी पे जाना है, जियोनी को क्लिक कर लीजिए, जियोनी में कहाँ कहाँ पे थर्मिस्टर लगा है वो भी आपको क्या हो जाएगा, यहाँ पर दिख जाएगा। ये आपका देखिए यहाँ पर इसमें थर्मिस्टर इस पे यहाँ पे लगा हुआ है, ये इसको मैंने बड़ा कर लिया है, और यहाँ पर मैं आपको दिखाने लगा हूँ, ये देखिए ये रहा, अब यहाँ पर इसको हमने यहाँ पर लिया, ये देखिए NTC लगा हुआ है, ये भी थर्मिस्टर 100K का है, नेगेटिव टेम्परेचर कॉफिशेंट। तो ये थर्मिस्टरों के बारे में क्या करेगा, आपको पूरी जानकारी देगा कि कहाँ कहाँ पे थर्मिस्टर लगे हुए हैं। तो NTC PTC को मैं डिटेल में बता चुका हूँ, और अगर आप देखना चाहते, अरे देखना है क्या बीप कर रहा है, तो इस तरह से देखिए इसमें एक NTC लगा हुआ है यहाँ पर, और बाकी NTC यहाँ पर ये नहीं, एक ही NTC है। इसके अलावा हम और देखना चाहें तो हम यहाँ पर देखिए इसको हम देख रहे हैं, इसको मैंने क्लिक कर रहा हूँ तो ये दिखाने लग पड़ा है, अभी आप खुलेगा यहाँ पर, ये देखिए ये खुला। तो इसमें देखिए थर्मिस्टर कहाँ पर है, ये देखिए यहाँ पर हम इसको बड़ा कर लेते हैं, तो ये देखिए यहाँ पर ये थर्मिस्टर 100K का लगा हुआ है। तो ये इस तरह से क्या होता है, आपको यहाँ पर दिख जाएगा कि थर्मिस्टर कहाँ, उसको आप हटा सकते हैं, तो उससे आपकी जो हीटिंग और इस तरह की कोई दिक्कत आ रही है वो क्या हो जाएगी, आपकी सॉल्व हो जाएगी। ज़बरदस्त फीचर है ये। इसके अलावा कल मैं आपको मैं अब इसकी पूरी एक सीरीज़ बनाऊंगा, तो हार्डवेयर सॉल्यूशन, बिट मैप, ये दो चीज़ बताना है, फिर स्कीमेटिक एंड सर्विस मैनुअल्स पर जाएंगे, फिर सिस्टम ऑन चिप पर जाएंगे, फिर डेटा शीट पर जाएंगे। इसके अलावा जो
ICS का बूट सीक्वेंस है, उस पर भी हम आगे जाएंगे। कहीं भी ज्वाइन करने से पहले इस लेवल की पढ़ाई देख ले, बहुत ज़्यादा पैसा कहीं ना दे, सारी चीज़ें टू द पॉइंट, चाहे लैपटॉप हो चाहे कुछ भी हो, सबका स्कीमेटिक में क्लियर कर देता हूँ। तो ये था हमारा थर्मिस्टर पर जो फीचर बोर्नियो का है। बोर्नियो में थोड़ा दुख ये है कि थोड़ा सा ये ज़्यादा टाइम ले रहा है चीज़ों पर, ये एक थोड़ी सी दिक्कत वाला मामला ज़रूर है। देखिए मैं इसको स्टार्ट से ओपन करके आपको दिखाता हूँ कि टाइमिंग देखिए, जबकि अच्छा खासा 8GB लैपटॉप है, उसके बाद भी इसमें चीज़ें और वाईफाई पूरा इसमें लगा हुआ है, सारी चीज़ें एडवांस हैं, उसके बाद भी क्या करता है ये थोड़ा सा टाइम ज़्यादा ले रहा है बोर्नियो। तो ये एक समस्या है कि कोई भी नई चीज़ को ओपन करते समय थोड़ा सा टाइम क्या कर ले रहा है, ज़्यादा ले ले रहा है। तो ये बोर्नियो में है थोड़ी सी दिक्कत, इसको उम्मीद करता हूँ कि सर्वर पे कुछ होगा या कुछ अपडेट करेंगे या इसको क्लाउड पे ले रहे होंगे तो वहाँ से कोई दिक्कत है तो उसको शॉर्ट आउट किया जाएगा। बोर्नियो आप प्रॉपर लेंगे, उसको रजिस्टर करेंगे, पेड वर्जन में ही सारे फीचर्स काम करते हैं और बाकी तो छलावा है, बाकी चीज़ें कुछ ऐसा मज़ा नहीं आएगा। तो इसको मैं बड़ा करने लग पड़ा हूँ और यहाँ से आपको यहाँ पर मैं आपको ये सारी चीज़ें यहाँ पर मोबाइल फ़ोन का ऑप्शन दिखाएगा आपको, यहाँ पर आपको बाकी लैपटॉप के दिखाएंगे। तो ये मोबाइल फ़ोन को हम खोलने लगते हैं तो देखिए ये जो अपडेटिंग फाइल्स हैं, ये जो ब्रांड्स को लोड करना है, ये थोड़ा सा इससे पहले जो हो रहा था बहुत तेज़ी के साथ सारा काम हो जा रहा था, लेकिन यहाँ पर ये थोड़ा सा ज़रूर देखिए, यहाँ पर ये ब्रांड्स को लेता जा रहा है, ए सीरीज़, SM, हार्डवेयर सॉल्यूशन, चीज़ें बढ़ाई हैं, लेकिन स्पीड थोड़ा सा ज़रूर यहाँ पर एक इशू बनेगा, एक सवाल या निशान लगेगा, लेकिन उम्मीद है कि ये थोड़ा सा अपडेट ज़रूर इसको करेंगे। हम लोग रियल टाइम में यूज़र्स होते हैं तो हमें इसकी एक्चुअल में पता होता है कि प्रॉब्लम इसमें आ रही है, स्लो है और टाइम एक बहुत बड़ा मैटर करता है। देखिए मोबाइल खोला मैंने, अब जैसे ही मैं यहाँ पर लैपटॉप पे खोलता हूँ तो देखिए फिर ये जाने लगता है, टाइम लेने लग पड़ा है। तो ये एक दिक्कत है इसमें, अपडेटिंग फाइल्स, अपडेटिंग ब्रांड्स, ये एप्पल, लेनोवा, एसर, आसूस, डेल, सैमसंग, तोशिबा, गीगावाइट, LG, सैमसंग, तो ये डेस्कटॉप के मदरबोर्ड, फिर मॉनिटर्स, तो ये एक लंबी खासी अच्छी खासी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है इसमें। बट एनीवे ये आपका बोर्नियो है, नए फीचर्स हैं, नए अपडेट्स हैं, इसको अपडेटेड वर्जन बहुत बढ़िया है, सारी चीज़ें लगभग क्लियर हो जाती हैं। इसके अलावा हम जो आईफोन का भी स्कीमेटिक के बारे में भी हम सीरीज़ बनाएंगे, उसमें भी हम आपको सारी चीज़ें बहुत जल्दी दिखाने जा रहे हैं। तो ये था वीडियो बोर्नियो का, जो एक और फीचर था जिसको थर्मिस्टर कहते हैं, तो उसके बारे में मैंने बताया। थैंक्स फॉर द वॉचिंग, कोर्सेज के लिए मुझे कॉल कर सकते हैं, रेक्स इंस्टीट्यूट भोपाल से लाइव सेशन।